है उन्होंने मिडलाइन की तरफ और मिराज का शिकंजा फेल हुआ है और परिणाम के 2 पॉइंट गए हैं यहाँ पर। हालांकि कवर देने के लिए बिल्कुल तैयार थे नवाब और यहाँ पर एक पॉइंट का इशारा आया यानी कि सांगीपुर को 1 पॉइंट मिला है। तो दोनों टीमों के पास स्कोर हो चुका है 2-1 के लिए इस समय शैलजा के पास। सामने से ब्लॉक करने की कोशिश और कामयाबी यहां पे मिलती हुई सांगीपुर के डिफेंडर को 1 पॉइंट और अर्जित किया। स्कोर इस समय 2-2 की बराबरी पर हो गई। हर सद्दाम गए हैं रेड के लिए। उन्होंने हैंड टच के जरिए राइट इन का शिकार किया है। 1 पॉइंट टाइम आउट लिया गया है सांगीपुर की तरफ से। खेल पूरा प्रारंभ हो चुका है टाइम आउट के पश्चात। इस समय रेडर शैलजा, ये रेडर कामयाब रहा था। पहली रेड में 2 पॉइंट अर्जित किया था। क्या दूसरा अटेम्प्ट उनके द्वारा बोनस के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इधर सद्दाम गए हैं रेड करने के लिए जबकि 3 खिलाड़ी हैं। सुपर टैकल ऑन, सुपर टैकल सिचुएशन में सद्दाम इस समय। क्या पॉइंट लेकर के आएंगे या फिर सुपर टैकल कर लिया जाएगा। और राइट कॉर्नर का शिकार किया उन्होंने हैंड टच के जरिए। पॉइंट और आता हुआ यहाँ पर सांगीपुर के लिए। तो शुरुआत से ही लेकर दबदबा बनाने की जो कोशिश थी सांगीपुर की, वो अभी तक कामयाब नजर आ रही है जबकि पहले हाफ का खेल चल रहा है। रेडर आउट, जीत संभवता बाहर आ गई थी उनकी रेड के दौरान। ऑल आउट होती हुई टीम शैलजा, 1+2 का इशारा आया और रिवाइव हुए सभी खिलाड़ी। पहले ही हाफ में ऑल आउट देने में कामयाब रही है टीम सांगीपुर। और खासतौर से सांगीपुर का प्रदर्शन पहले लीग के मैच में जबरदस्त रहा है। एक अच्छा टैकल यहां पर और अपने मेन खिलाड़ियों को सांगीपुर ने संभवतः विश्राम दिया है क्योंकि वो जान रहे हैं कि आगे चल करके मैच की स्थिति। हालांकि अच्छा टैकल यहां पर किया गया जैद को, एक टांग तो दूसरी तरफ, तो दूसरी टांग को दूसरी तरफ खींच लिया गया। कोई मौका नहीं था उनके पास। चलिए मिराज ने वहां पर राइट कॉर्नर पर, हाफ टाइम के लास्ट मिनट का खेल चल रहा है, आ चुके हैं इस समय रेड करने के लिए 6 खिलाड़ियों के साथ डिफेंडर। और यहां पर बैक होल्ड करने की कोशिश, लेकिन उसका तोड़ता और बोनस प्लस 1 पॉइंट का इशारा आ रहा है रेफरी का। 2 पॉइंट और मिल रहा है टीम सांगीपुर को। 1-sided मुकाबला ये सेकेंड राउंड का चल रहा है शैलजा और सांगीपुर के बीच। मेराज ने एक बार फिर से अपना शिकंजा कसा है। मुबारक तफजुल हुसैन से संपर्क कर ले, मुबारक।